और शाहदरा टाउन में मुंबई ना पुलिस मुकाबला टोपी गैंग के दो डाकू हलाक हो गए। डाकुओं ने हफ्ते के रोज शाहदरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शेरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को माफ करने का कहा था। इलाका मकीम भी खौफ का शिकार थे। वजीर अला पंजाब ने भी शाहदरा वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। टोपी गैंग के दो डाकू हलाक कर दिए गए। डाकू ने हफ्ते को शाहदरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी और वो वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शहरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को माफ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वजीर आला पंजाब ने भी शाहदरा में वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज पहले फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। टोपी गैंग के दो मुलजिमान की हलाकत पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। पंजाब पुलिस के हक में नारे लगाए, फूल निछावर किए गए।